ऑलराइट, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन मलिक फ्रॉम लेट्स टेक देसी। आ गई हूँ अनदर वीडियो आप लोगों के लिए लेके, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू माय ड्रीम कंट्री, माय फेवरेट लोकेशन, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। सो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं दिल्ली से ज़्यूरिख का सफ़र हमारा कैसा रहता है, क्या क्या जगल हम लोगों को करना पड़ेगा और क्या क्या है अंदर एयरपोर्ट पे करने के लिए। और दिखाऊंगी एंड तक आपको कि ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, और पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए आने वाला है। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल बटन और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारी कंट्रीज़ और इन द क्यू है। राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट की एकदम एंट्री पे। बाहर बहुत ज़्यादा लग गई है लाइनें। सो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को, अगर कभी भी आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है और रात के टाइम आपका ट्रैवल है, सो कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे का बफर रखना। रीज़न बीइंग, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप लोगों को रात के टाइम पे यूके, लंदन और ये कनाडा की बहुत सारी फ़्लाइट्स जाती हैं। सो कीप योर बफर टाइम सो दैट आप लोग टाइम से पहुंचो और आपको एंट्री करने में दिक्कत नहीं हो। सो अभी मुझे दिक्कत होने वाली है बिकॉज दो मैं जल्दी हूँ, बट स्टिल आई थिंक आई विल बी लेट। रीज़न बीइंग, भीड़ बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी मैंने अपने बाकू की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एकदम रेलवे स्टेशन जैसा फीलिंग आ चुकी है। लोगों को ट्रैवल करने का मन कर चुका है और लोग रुकते नहीं हैं अब आज की डेट में ट्रैवल करने से, और ना ही घबराते हैं जैसे पेरेंट्स पहले घबराते थे फ्लाइट में ट्रैवल करने। अभी फ़्लाइट इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीबडी, सो एवरीबडी फील लाइक कि हम फ्लाइट से ही जाएँ। सो अभी चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ आपको और क्या क्या है। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं फ़्लाइट चेक इन इन्फॉर्मेशन में। एज़ यूजुअल आप मेरे लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं थ्रू स्विस एयर। क्या आप लोग ढूंढ पा रहे हैं? तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा ज़्यूरिख का स्विस एयर का इन्फॉर्मेशन। 1:10 की हमारी फ़्लाइट है रात की, और हमें जाना है जे कॉलम। सो लेट्स गो एट द जे सेक्शन एंड वी विल गिव आवर बैग्स। सो तो मैं बैग लेके खड़ा हुआ, हम लोगों ने वेट कर लिया। अभी मेरा बैग थोड़ा सा हैवी लग रहा था बट नहीं है, 17 किलो का है। शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था, अभी एक लड़की का बैग गिर गया था, बट मेरा बैग हल्का है, सिर्फ एक्चुअली विंटर्स के कपड़ों की वजह से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। चलो ऑलराइट गाइस, तो मैं करने वाली हूँ बैग टैग्स अपने बाहर। तो मैं स्विस पे गई क्योंकि मेरी स्विस एयरलाइन से टिकट है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी चेक इन कर दिया, तो मैं प्रिंट बैग टैग्स करूँगी। मैंने स्कैन करा अपना बारकोड अपने वेब चेक इन का, जो मेरे पास बोर्डिंग पास था। उसके बाद मुझे मिल चुके हैं ये बैग टैग्स, तो मैं इसको प्लेस कर दूँगी। वेब चेक इन खुद से हो गया, बैग टैग्स खुद से लगा दिए, सिर्फ लगेज अब देने की बारी है। एंड आई विल बी रेडी टू बोर्ड द फ्लाइट। हम ऑलरेडी बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, हम 5 घंटे पहले आ गए हैं, और क्योंकि हमें लाउंज की या खाना पीना भी है अंदर, और हमें पहले से पहुंचने की आदत है क्योंकि हमें भीड़ नहीं पसंद, बट फिर भी भीड़ बहुत है। देखते हैं 9 बजे गेट खुलेगा, उसके बाद करेंगे अपने बैग्स देंगे, तब तक के लिए टाइम पास कर रहे हैं। गाइस, तो अभी शिदित जा रहा है बैग्स देने के लिए। आप लोग देख सकते हो हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं टोटल 12 से 13 दिन के ट्रिप के लिए, इसलिए हमारा लगेज इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वी आर गुड ट्रैवलर्स। ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा लगेज कैरी करते हैं। सो अभी देखते हैं लाइन कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं फाइनली चेकिंग करा के, और सीधा दिल्ली ड्यूटी फ्री की तरफ। बहुत तेज़ भूख लग रही है। वी टुक ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर। ओके, सो गाइज 1.5 घंटा लगा है एग्जैक्ट, अगर मैं काउंट करूँ तो, फ्रॉम टेकिंग अ बोर्डिंग पास टिल हियर एट द एंट्री गेट ऑफ दिल्ली ड्यूटी फ्री। ट्रस्ट मी, देयर इज़ ह्यूज रश, वी नीड अनदर टर्मिनल एंड वी नीड मोर ट्रैवल। एंड थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग, थैंक यू फॉर टू मी दैट आई एम इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू ट्रैवल मोर। तो अभी चलते हैं अंदर दिल्ली ड्यूटी फ्री की तरफ और दिखाते हैं आज दिल्ली ड्यूटी फ्री में क्या है कुछ नया। ओके, सो गाइस दिस इज पैको सेक्शन, देन उसके बाद प्रीमियम लिकर्स, देन वोडका सेक्शन, देन वाइन्स, स्पिरिट्स, सब आपको एक जगह पे मिल जाता है। उसके अलावा आपको परफ्यूम सेक्शन मिल जाएगा, कॉस्मेटिक सेक्शन मिल जाएगा। अभी लास्ट टाइम मैंने जो एक्सप्लोर किया था अपने दिल्ली ड्यूटी फ्री की वीडियो में, तो मुझे वॉच का सेक्शन एक नया मिला था। सो इस बार देखते हैं, डियोर का पूरा एक वो बन चुका है काउंटर अलग से, टैटू ऑल परफ्यूम। बहुत सारी खुशबुएँ आ रही हैं, मेरी नाक बंद है फिर भी मुझ तक खुशबुएँ पहुँच रही हैं। सभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दिस इज़ विस्की कलेक्शन, प्रीमियम ग्लेनफिडिच, शिदिज की फेवरेट है। आज शायद कुछ भी लेने के मूड में नहीं है क्योंकि हमने ट्रैवल पे बहुत खर्चा कर दिया है एंड एज इट वाज माय ड्रीम कंट्री एंड वी आर ट्रैवलिंग फॉर अ स्पेशल ओकेजन दैट्स आवर एनिवर्सरी सो चलते हैं और दिखाते हैं आपको. सो दिस इज़ द गिफ्ट सेक्शन इन केस यू वांट टू बाय एनीथिंग फॉर एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर. दिस इज़ दैट ह्यूज तो मैंने अभी आपको ज़ूम आउट करके दिखा दिया है. दिस इज़ कामा आयुर्वेदा सेक्शन बॉबी ब्राउन. अच्छा एक टिप एंड ट्रिक दे देती हूँ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी शॉपिंग यहाँ से करनी है और आपके पास बोर्डिंग पास और पासपोर्ट है तो आप यहाँ से प्री बुकिंग करके जा सकते हो विच विल गिव यू मोर देन 10% डिस्काउंट. यू हैव टू पे हेयर एंड जब आप वापस आ रहे होगे तो आप अपनी बॉटल्स या कुछ भी जो आपने यहाँ पे लिया है वो आप कलेक्ट कर सकते हो. यू डोंट नीड टू कैरी अलॉन्ग विद यू एंड दैट विल गिव यू एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द प्राइस दैट यू आर परचेजिंग. सो दिस इज़ दिस ड्यूटी फ्री सेल 33% गोइंग ऑन फॉरेस्ट एसेंशियल पे. तो हर चीज़ आपको जो मिलेगी वो एकदम फ्री ऑफ टैक्सेस एंड आई वुड से चीपेस्ट मिलेगा इन दिल्ली ड्यूटी फ्री. आजकल नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के लिए ऐसे हैंड क्राफ्टेड बैग्स आपको मिल जाएंगे इन केस यू वांट टू बाय एंड यू वांट टू एन्जॉय द नवरात्रि हियर इन दिल्ली. सो अभी चलते हैं. मेरा पति फ़ोन पे लगा हुआ है तो भूख लगी है उसका दिमाग नहीं चल रहा तो मैं फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. आई होप आपको ये दिल्ली ड्यूटी फ्री पसंद आ रहा होगा. अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार. विक्टोरिया सीक्रेट है बेले है क्या है मैं देख लेती हूँ. एज़ यूजुअल मैं विक्टोरिया सीक्रेट जाती हूँ. मुझे एक बैग लेना है जो मुझे नहीं मिल रहा बाय टाइम से. इट्स अ वॉलेट विच आई एम नॉट एबल टू गेट इट तो अभी देखती हूँ क्या पता अभी अवेलेबल है. तो पहला खर्चा ऑफ द ट्रिप हो चुका है स्टार्ट. हम लोग आ चुके हैं कार्नेटिक कैफ़े में. एकदम लो और डाउन फील कर रहा है. कमर दर्द हो गई है बैग टांग टांग के. बहुत ही एस्थेटिक लोकेशन है एट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साउथ इंडियन खाना यहाँ पे मिल रहा है. मेरा साउथ इंडियन फेवरेट है. इस बार हम फिर से लाउंज नहीं ट्राई कर रहे हैं. लास्ट टाइम का मेरा बाकू के टाइम का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही रद्दड़ था तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी. तो अभी देखते हैं कैसा है स्वाद वर्थ कमिंग है कि नहीं है बाकी हम देखते हैं. तो बहुत ज़्यादा थक गया. कॉफ़ी पियोगे बस ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं खाओगे? खाऊंगा. भूख लग रही है. भुक्कड़ नंबर 1 है. आ चुका है एक ही चीज़ आई है अभी. हाँ अभी एक ही चीज़ आई है. आ चुका हमारा चीज़ खा के बताओ क्या है ऐसा स्पेशल इस महंगे डोसे में. नहीं है ना मेरे रोड पैसे कटने में. हम 2 रुपए में खाना खाते थे लाउंज में. अच्छा टेस्टी हेल्दी सॉफ्टनेस क्रिस्पी. यम्मी अलग ही फ्लेवर है. थम्स अप. What's pending? Yeah, सिमरन का उत्पम विद तिरंगा चटनी और क्या है एक्स्ट्रा. टेस्टीपन की हरकत जानी नहीं. मैंने सांभर ले लिया एक्स्ट्रा. ये बहुत टेस्टी है एकदम. फिल्टर कॉफ़ी अभी आ रही है तो फिल्टर कॉफ़ी का स्वाद बाद में चख के बताएंगे आपको. मैंने घर में भी आज सांभर ही खाया और जो ये सांभर है ना अच्छा मैं तो नहीं समझ आया. बहुत पतला सांभर लगा ना हमें मोटा टाइप का सांभर खाते हैं तलवाड़ा का. वैसे ये बहुत अच्छा फुल घी से टपक का डोसा मोटा मोटा है सब कुछ है. कुछ स्पेशल है जन्नत. फिल्टर कॉफ़ी को फिल्टर करके दे ज़रा कैसे भी भूल गई. पहले इसमें डालेगी चीज़ बस इन डोलो ग्लासीच गरम है. नशे हो गए हम दोनों का. एक्चुअली गला खराब है तो हम लोग को गरम गरम जो भी मिल रहा है ना हमें सब अच्छा लग रहा है. प्लीज गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर. क्या है डिनर एट कर्नाटक कैफ़े में और बहुत 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 ही टेस्टी है. डू नॉट मिस इफ़ यू आर एट दिल्ली एयरपोर्ट. ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. एट द काउंटर्स मल्टीपल काउंटर्स हैं लाइक फूड कोर्ट. अब शायद इसको चाहिए जैकेट. शायद अपनी जैकेट घर भूल गया है इसको बहाना चाहिए होता है शॉपिंग करने का, ये जान पूछ के छोड़ के आता है लड़का, हमेशा खुद शॉपिंग करता है, मुझे नहीं करने देता है, मुझे कहेगा लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, अपनी बारी में चलो चलो। कभी देखते हैं नीचे हम डेली ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग करते हैं, शरीर के जैकेट लेते हैं, उसको जुकाम हो चुका है एसी में बैठ के और वहाँ और ठंड है, सो ही जस्ट हैव वन जैकेट दैट इज़ ऑफ माइनस टेम्परेचर, सो वी विल बाय समथिंग विच इज़ a normal jacket which you can wear. Guys, the Body Shop is there, Steve Madden is there, Lacoste is there, Levi's is there, Benetton is there, and Prado is there, Coach, MK, Boss. सारे premium से premium brand आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी देखते हैं कौन सी jacket हम लोग लेते हैं। Steve Madden पे by the way buy one get one लगा हुआ है, so we can check the bags. ओके गाइस, फाइनली शिरिष ने ले लिया है कंबल। दिखा तो दो। नहीं लग रहा जैसे वो डीकैथलॉन में हमने ऊपर वो बॉम्बर लिया है। शिरिष को कुछ और समझ नहीं आया तो शिरिष ने ऐसे कंबल ले लिया कि मैं नीचे कुछ स्वेटर वेटर पहन के वहाँ पे भी पहन सकता हूँ। दिखा दो शक्ल। गाइस, मैंने चोरी कर ली गलती से, तो ट्राई करा था, मैंने जैकेट ऐसे हाथ में रख दी, तो मैं जैकेट लेते लेते बाहर आ गई और मैंने रियलाइज़ किया मेरे हाथ में ही जैकेट पड़ी हुई है, तो वापस दी उनको देने के लिए। मैंने फाइनली कर लिया शॉपिंग, अब थोड़ा सा उसको कोजी लग रहा है। आप क्या करेंगे इस कंबल तो चलते हैं, वोट करने का टाइम होने वाला है। नहीं अभी नहीं होने वाला, अभी 1 घंटा और है। हाँ पूरा 1 घंटा है अभी। लास्ट मिनट मेडिकेशंस यू कैन बाय फ्रॉम हियर। कैफेज आर देयर, आयरिश हाउस है, कैफे टोनिनो है, डब्ल्यू एच स्मिथ है, ज्वेलरी लेनी किसी के लिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जनरली जो लोग दिवाली के लिए अब आने वाले हैं, दिल्ली कैपिटल स्पोर्ट्स बार इज देयर, आप यहाँ पे बैठ के मैच भी इंजॉय कर सकते हो। आर्ट पोर्ट इज देयर। सो गाइस, ये हो जाता है एंड ऑफ दिस डेली ड्यूटी फ्री। नाउ द गेट्स स्टार्टेड। ओके सो गाइस, दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुका है पंजाबी कुल्फ़ी द काउंटर। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो यहाँ पे मिष्ठान है, इधर पंजाब की कुल्फ़ी का स्वाद है, और अगर आपको सिम पोर्ट या इंटरनेशनल रोमिंग कुछ भी कराना है तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगी चीज़ें एक्सेस करने को। गिफ्ट शॉप है, जहाँ पे भी जा रहे हो किसी के लिए लेके जाना है तो यहीं से परचेज़ कर सकते हो। रेस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ द सीट्स। उसके अलावा द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक रिसेंटली एट द एयरपोर्ट इज़ दिस थिंग वेयर इन फॉर एनी फीमेल हु गेट्स forgets to get their tampons or their sanitary pads, so you can buy it. It's just a vending machine. You fill with the money and you will get your requirement. And vending machine is there for Coke and water. So multiple things that you will get it from here. So guys, we are in the flight. वेलकम ऑन बोर्ड बाय स्विस एयर, और अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली टू स्विट्जरलैंड। कैसे दिस इज़ द बिजनेस क्लास गाइस। अभी हम लोग उतर रहे हैं। फाइनली आई हैव लैंडेड टू स्विट्ज़रलैंड। सो देखते हैं, बाहर का वेदर 8 डिग्रीज दिखा रहा है। मैंने जस्ट एक टी शर्ट पहनी हुई है, सो लेट्स सी गाइस, इट्स सो कोल्ड। मुझे फटाफट से एक जैकेट चाहिए, नहीं तो मैं तो गई। दिस इज़ ज़ुरिख एयरपोर्ट। दिस इज़ चार्ट डिपार्चर साइड। ठंड लग रही है, काम पर रही हूँ मैं और क्रॉप टॉप पहना हुआ है ऊपर से। फटाफट से कंबल चाहिए मुझे और मेरी एक जैकेट। लेट्स गो टू द लगेज काउंटर। वी आर गोइंग टू द बैगेज काउंटर। उसके बाद बनाएंगे वीडियो आपके लिए ज़्यूरिख के ड्यूटी फ्री में क्या क्या है। और देखते हैं हमें इंडियंस को कितना महंगा कितना सस्ता लगता है, बिकॉज यू गाइज नो स्विट्ज़रलैंड इज़ सो मच एक्सपेंसिव। भी देखते हैं, बहुत ही प्यारा एलिवेटर है और ट्रेन जाने वाली है। हम लोग जाएंगे सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे, लेंगे अपना बैग एंड फिर करते हैं धमाल इन ज़्यूरिख मस्ती ऑन द गो। हम लोगों ने बाय द वे गाड़ी बुक करी है, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी, वीज़ा का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना। गाइस मैं चढ़ने वाली हूँ पहली ट्रेन ऑफ स्विट्ज़रलैंड और ज़्यूरिख पहुँच चुके हैं। बैगेज क्लेम के लिए हमें इसी ट्रेन में जाना है। बहुत ही क्यूट सी ट्रेन, बहुत सारी वीडियोस में देखा है, फोटोज़ में देखा है। पहली बार मैं करने वाली हूँ एंजॉय। शिदित बहुत खुश है कि मैं खुश हूँ। गाड़ी में ट्रैवल करने वाले लोगों ने कभी मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया, गिर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ज़्यूरिख। इमिग्रेशन स्टैम्प लग चुकी है और हम लोग फाइनली एंटर कर रहे हैं अपनी बेल्ट की तरफ। तो अभी बैग्स लेते हैं, जैकेट पहनते हैं और दिखाती हूँ आपको ज़्यूरिख ड्यूटी फ्री। इसके अलावा 2 मोर कंट्रीज आर वी आर एक्सप्लोरिंग, सो लेट्स सी आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा कि नहीं। ओके गाइस, सो हमारी बेल्ट नंबर आने हैं 26 पे। ज़्यूरिख ड्यूटी फ्री ऑन माई लेफ्ट साइड। करेंसी एक्सचेंज आपको मिल जाएगा और ये है पूरा एयरपोर्ट। इमिग्रेशन स्टैम्प लगते जो फील आती है ना, उस पर एक रील बनाने वाली हूँ मैं। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सीधे जो मैंने कंटेंट दिमाग में सोचा है, वी आर मेकिंग दैट फॉर श्योर इन स्विट्ज़रलैंड की वादियों में। तभी देखते हैं अंदर क्या क्या है और हम कुछ खरीदने वाले हैं कि नहीं। लेट अस गेट आवर लगेज। ठंड लग रही है आते ही। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है यहाँ पे। Another half an hour sunrise will be there. We have our own car which we have booked from Sky Scanner. Process पूरा बताऊँगी। फिलहाल अभी international license क्षतिज ने कर लिया था apply और अनिरुद्ध ने भी। So we have got our luggage. बाकी का continue बाद में करती हूँ अभी। Okay so guys, welcome to Zurich Duty Free. Bags हम लोगों ने ले लिए हैं। Enter करते ही what you will get. अगर मुझे कुछ बढ़िया लगेगा तो मैं ले लूँगी। Franc is approximately 98 rupees in Indian. तो महंगा तो बहुत है। कंपेयर करने के लिए कुछ रिलेटेबल चीज़ ढूंढती हूँ, देखते हैं कुछ मिलता है तो। बाकी आप लोग प्राइस पढ़ सकते हो। Bottega rose gold is 27 francs. Tom Pregnant is 353 and 213. तो आप जेंटलमैन जैक से रिलेट कर सकते हो। ये 44 फ्रांस की है। आई थिंक सिमिलर रेट है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। रॉयल सल्यूट आपको मिल जाएगी यहाँ पे 142 की। परफ्यूम में देखते हैं, मैंने रिसेंटली गुची फ्लोरा ख़रीदा था, तो मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे है तो मैं कंपेयर कर लूँगी कितने का है। डेविडॉफ मिल रहा है, मॉन ब्लैंक, नॉट दैट एक्सक्लूसिव बट मुझे बॉटल्स क्यूट लगती हैं रखी हुई अपने वैनिटी में। वर्साचे का दिस वन टर्क्वाइज इज फॉर 79 फ्रैंक्स, पर्पल वन इज 85 फ्रैंक। दिस इज गुची फ्लोरा and this is costing 95. So yes, it is an expensive one. This is 50 ml. So आपको कुछ भी लेना तो आप कंपेयर करके आ लो, मतलब जो भी आपको डेली ड्यूटी फ्री में मिल रहा है। इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि प्लीज़ आप कंपेयर कर सकते हो आपको कहाँ से क्या लेना चाहिए। What else? Then they have cosmetic section also. Cling का है, Balance है, Rituals है, लापरन है। आप गूगल करके भी ऐसे प्राइस रेट चेक कर सकते हो, इंडिया में कितने का है, यहाँ पे कितने का। सो यू कैन कंपेयर द रेट कन्वर्जन ऑल्सो, तो जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। दिस बॉटल इज़ वेरी क्यूट, नाइस। सन ग्लासेज ऑल्सो दे हैव, पोलराइड, नॉन पोलराइड, बिकॉज यहाँ पर पोलराइड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रीजनली एकदम टॉप पे जाके आपको सन एकदम से हिट करता है। आई थिंक दिस इज़ नाइस, let me try this one. Guys, comment करके बताओ मैंने स्वेटर पहन ली, वाइट वाइट जैसी दागा है। कुछ और मिला नहीं, जो ऊपर ऊपर लगा था मैंने वही पहन ली। इट्स लुकिंग क्यूट। So guys, they have watch section, then they have Swarovski jewelry section, then they have this marketplace where you can buy your gadgets and your handbags. ये ज़्यूरिक का अगर आपको मिनीचर लेना है तो मैं हमेशा एक ओपनर ज़रूर लेके जाती हूँ। So अभी अच्छा लग रहा है, we can buy this also, 14 francs। हाँ, 1400 रुपये का बैग में इट्स वर्थ यार। मतलब अगर आप ज़्यूरिक आ रहे हो तो वहाँ का कुछ ना कुछ तो अपने पास एज अ मेमोरी लेके जाओगे ना। काइली जेनर का कॉस्मेटिक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, एंड देन यू कैन। दैट्स इट गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द ज़्यूरिक ड्यूटी फ्री। सो दिस मुझे भागते हुए वापस बुलाना है कि बहुत टाइम वेस्ट कर रही है, जल्दी से आ जा। और कुछ हम यहाँ पे दोबारा भी आने वाले हैं, बिकॉज वी हैव टू कैच अनदर फ्लाइट फॉर अनदर कंट्री। डोमेस्टिकली हम करेंगे और उस टाइम पे आएगा नहीं आएगा, तो मैंने कहा 5 मिनट दे दें मुझे फटाफट से डिटेल वीडियो बनाए दें, बिकॉज एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को पता लगना चाहिए कि ज़्यूरिक एयरपोर्ट पर वो क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, वी आर एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द एयरपोर्ट। कार रेंटल्स के लिए फर्स्ट फ्लोर पर आके आपको गाड़ी मिलेगी, एंड देन we will pick our car from there and start our drive. I'm super duper happy कि मैं Switzerland आ चुकी हूँ guys. You don't know what it means to me. I'm just being grateful to the God. कि thank you कि मैं इस धरती पे आ चुकी हूँ, धरती के इस पार्ट पे आ चुकी हूँ। धरती पे तो बहुत पहले आ गई थी, और मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मैंने ड्रीम्स में हमने सोचा था कभी, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ मुझे यहाँ तक ले आएगी, एंड सच में आई डोंट नो मैं यहाँ पे कैसे। इट्स जस्ट दी मैनिफेस्टेशन आई वुड से। आई हैव मैनिफेस्टेड माई सेल्फ एट दैट प्लेस, एट दैट एरिया, एंड बिहेविंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन थिंग, बीइंग चाइल्डिश। आई एम जस्ट थैंक यू टू माई हस्बैंड, आई एम जस्ट थैंक यू टू द गॉड, एंड आई एम जस्ट थैंक यू टू यू गाइज who motivated me that yes, you should do this and live my life. YOLO guys. So guys, we are at the car rental area. अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है, और यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट या पैसे वैसे देने वाला जो करना है वो करेंगे, एंड देन वी विल गेट आवर कार। इंटरनेशनल लाइसेंस का क्या प्रोसेस है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई विल गिव यू द लिंक हाउ यू कैन अप्लाई, एंड इट विल रीच यू इन नेक्स्ट 10-15 days. So stay tuned with the video. It is an informative video for you.